A very, very warm welcome to everybody. Welcome to UGC Net Ara 24/7. I'm your guide for English Literature Paper 2, Professor Aishwarya Puri. I hope आप सबका weekend जो है बहुत ही अच्छे से बीता होगा. चलिए क्लास को शुरू करते हैं पिछले क्लास के होमवर्क के साथ. मैं फिर से बता दूं, जितने भी लोग मेरी क्लास को आज पहली बार देख रहे होंगे, अपनी क्लासेस में मैंने ये नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है होमवर्क देने का. वेल, ये अक्टूबर वाले अटैम्प्ट से पहले के अटैम्प्ट में, पहले की प्रिपरेशन फेज में भी ये पैक्ट हमने जो है फॉलो किया था. आई थिंक ओवर अ मंथ वी डिड दीज होमवर्क. सो कुछ 25 होमवर्क जो हैं स्टूडेंट्स ने किए होंगे. इंटरेस्टिंगली उन होमवर्क्स में से 5 क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली वो इस बार के, ठीक है, 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली जो हमारे इस बार के नेट के अक्टूबर 2022 के अटेम्प्ट में पूछे गए थे. सो स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुई कि जो टॉपिक्स मैं होमवर्क में दे रही थी वो काफ़ी यूजफुल थे उनके लिए. उन्होंने भी, अब स्टूडेंट्स ने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया है. तो अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हैं रोज़, तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस है जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम फॉलो आगे भी करते रहेंगे, ठीक है. तो ये एक ट्रेंड हमने चलाया है. तो ज़रा मैं पिछले वाला होमवर्क एक बार अपने स्टूडेंट्स का बताना चाहती हूँ, किस किस ने वो होमवर्क किया था. सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक. हाँ जी, आई थिंक एक या दो का तो मैंने उसी रात आई थिंक चेक कर लिया था. बाकी कुछ और थे ओवर द वीकेंड. तो वीकेंड आई वॉज कीपिंग अ लिटिल बिजी, तो मैं तब चेक नहीं कर पाई थी. तो मैं देखती हूँ. ओके, गीता का होमवर्क यहाँ डन है. द प्रीवियस होमवर्क वॉज विलियम ब्लेक का द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. विलियम ब्लेक के रिगार्डिंग लोगों को लगता है कि सिर्फ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, या जिसको जो है हम लोग नेट के हिसाब से करते हैं. ऐसा नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना होता है. दिस इज़ वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव टू डू. राजू ने अपना जो है होमवर्क किया है. सूरज का होमवर्क भी आया है. उसके साथ साथ आर्चिश और रीना का होमवर्क आया है. शैलेश एंड कोमल, आइड्रिस एंड सुपर्णा. कम है भाई, ये तो कम लोगों ने होमवर्क किया है. क्यों नहीं किया बाकियों ने? बाकियों ने होमवर्क क्यों नहीं किया? हाँ जी, सो सीमा प्रोसीजर ये है कि सपोज जैसे आज की क्लास हो, या आज हम विक्टोरियन एज पे क्लास लेंगे, तो आज क्लास के एंड में मैं आपको इसी विक्टोरियन एज से ही कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको एज होमवर्क जो है दे दूंगी. तो वो होमवर्क आप लोगों ने आज की वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जो है डालना है. सो अगली क्लास में आई चेक दैट कॉमेंट सेक्शन एंड मैं वहाँ से आपका होमवर्क जो है बताती हूँ. मोस्टली मैं रात तक जो है स्टूडेंट्स के किचन जिन के होमवर्क्स आ जाते हैं, मैं उनको रात को ही जो रीड करके टिक कर देती हूँ. और बाकी के लोग जो है उनका मॉर्निंग तक जिनका आता है उनका मॉर्निंग में चेक हो जाता है. देखिए, पर्पस ये है इस होमवर्क का कि इसमें मेरी क्लास में मैंने ये NFTs का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है. NFT का मतलब नेट फेवरेट टॉपिक. ये वो टॉपिक्स हैं हमारे कन्वेंशनल, वो पोर्शन है हमारे नेट के सिलेबस का जिसको अगर आपने कर लिया तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, 80-90% चांस कि वहाँ से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में आएगा. अब मेरे दिए हुए NFTs में से ऑलरेडी 14-15 क्वेश्चंस तो इस बार के पेपर में भी आए थे. उसके अलावा 5 टॉपिक्स जो मैंने होमवर्क में दिए थे आउट ऑफ द 20-30 टॉपिक्स आट विडेड, देयर वर 5 टॉपिक्स जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस नेट के पेपर में थे. तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये प्रोसीजर. अगर किसी दिन आपका पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तो आप मिनिमम से मिनिमम इतना तो कर सकते हो, अपना होमवर्क कर लो. इसका मतलब अगर हम 30 दिन पढ़ रहे हैं तो आप 30 दिन की हमने एक सेशन अपना पूरे महीने का देखा है, तो मान लो आपके पास 15-20 ऐसे टॉपिक्स आ गए जो आपने होमवर्क के फॉर्म में किए थे. अब ये होमवर्क आपने यहाँ भी अपलोड किया, मेरे हिसाब से आप इसका नोट्स बना के एक अलग से डायरी भी बना लो कि ऐश्वर्या मैम की क्लास के होमवर्क के नोट्स हैं ये. आप डायरी में या नोटबुक में वो होमवर्क अलग से भी जो है नोट डाउन करते रहो. मैं आपको बता नहीं सकती द इम्पॉर्टेंस जो आपको इसकी मिलेगी, जो बेनिफिट आपको होने वाला है. सिर्फ एक महीने के होमवर्क में से 5 डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार के पेपर में देखने को मिले, ठीक है. तो NFTs का गेम अगर आपका स्ट्रांग रहेगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको पागलों की तरह भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना आप मेरे साथ, मज़े में आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ऐसे ही जो है आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा नेट JRF जो भी आप टारगेट कर रहे हैं. आई कैन अश्योर यू दैट. सो दैट्स समथिंग दैट्स गोना हैपन.
हाँ जी भारती, आपने नहीं, बहुत लोगों ने होमवर्क नहीं किया। स्नेहल, आपका होमवर्क शो नहीं हो रहा, शायद आपकी प्राइवेसी सेटिंग में कुछ दिक्कत है। आप अपने यूट्यूब के अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग को जो है प्लीज़ एक बार चेक कर लो। मैम, आई एम योर को स्टूडेंट, हाउ ऑफन वी गेट क्लास ऑन यूट्यूब? नेहा, जनरली इट इज़ सपोज टू बी 6 days a week, बट अभी मेरा एक दूसरा बैच थोड़ा सा अर्जेंटली रन कर रहा है, झारखंड का PGT इंग्लिश बैच, तो उनका टाइम कम था, तो उस वजह से मेरी क्लासेज अभी ऑल्टरनेटिव हुई हुई हैं। तो वैसे मेरी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे ऑन यूट्यूब, सेम टाइम सेम प्लेस, 3 PM, बट अभी एक हफ्ते और के लिए बस हम ऑल्टरनेटिव डेज कर रहे हैं। सो मंडे फ्राइडे एंड मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, आफ्टर अ वीक जो है हमारी क्लास वापस जो है डेली बेसिस पे हो जाएगी, मंडे टू सैटरडे रन करेगी, हफ्ते में 6 दिन, ठीक है? तो बहुत बेनिफिट आप लोगों को रहने वाला है। बिल्कुल कोमल, बहुत ही अच्छी हैबिट है, नोट्स बनाते रहो। और कुछ नहीं तो पेपर से पहले आप ये होमवर्क्स भी रिवाइज करोगे ना, आपको 20-25 क्वेश्चंस तो उसमें से ही निकल जाएंगे आपके नेट के। आई कैन अश्योर एंड गारंटी यू गाइज दैट। मावे, आपका बाबा होमवर्क ही नहीं दिखा, आपका होमवर्क दिखा ही नहीं मुझे, आई एम सॉरी। कई लोगों का पता नहीं क्या दिक्कत आती है, होमवर्क नहीं दिखता है कभी कभी। चलिए, कुछ सेटिंग का दिक्कत है शायद, और वो अगेन हमारी तरफ से नहीं है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है तो यूट्यूब की तरफ से कोई सेटिंग का दिक्कत है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। आप जिस जिसने और होमवर्क किया है, मावे और स्नेहल, मैं आपका नेम्स भी लिख देती हूँ, अगर आप लोगों ने होमवर्क किया था और दिख नहीं रहा है तो माव्या स्नेहल मैं आप दोनों के नेम्स भी लिख देती हूँ। और आप सब लोगों को मैं अपनी तरफ से पर्सनली 5 स्टार्स देना चाहती हूँ फॉर योर वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस, ठीक है जी? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द विक्टोरियन एज। देखिए, मैंने अभी इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को रोमांटिक एज पढ़ाया था। रोमांटिक एज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे देयर वाज अ मूवमेंट टुवर्ड्स नेचर एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द कंट्री साइड। रोमांटिक पोएट्स दे एम्फसाइज्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। Along with that, in poetry and literature, a greater emphasis was laid on the ideas of creativity, imagination, innovation, ठीक है? So, ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिली थी। तो ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि every age is the reaction of the preceding age and will become the action of the proceeding age. तो neoclassical age का reaction बनता है romantic age, ठीक है? न्यू क्लासिकल एज के अगेंस्ट रिएक्शन बना रोमांटिक एज। विक्टोरियन एज जो है वो रोमांटिक एज के अगेंस्ट एक रिएक्शन बन के आता है। रोमांटिक एज, मैम मैंने भी, अच्छा सना आपका भी शो नहीं किया, सॉरी, जिसका नेम ही नहीं शो किया, सॉरी, उसको मैं कैसे कर दूँ, आई एम सो सॉरी। लो सना, आपका भी नेम लिख देती हूँ, आपको भी 5 स्टार्स देती हूँ। सॉरी, जिस जिसका नेम नहीं शो हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, कईयों का नहीं शो होता है। हाँ जी, विक्टोरियन एज की जो रेंज है हमारे पास वो है 1837 से 1901। 1837 में क्वीन विक्टोरिया विल बिकम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? क्वीन विक्टोरिया के नेम पे जो है इस एज का नेम पड़ा है। क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड को उस टाइम में जो है टेकअप कर लिया था जब इंग्लैंड एज अ कॉलोनियल पावर more than half the world, more than half the globe को dominate कर रहा था। इनका imperialistic venture अपने peak पे था। Of course, there were nations including India जो अपने independence के लिए जहाँ पे fight शुरू हो गया था, but major level पे जो है resources were being drained into the treasuries of England, and England had now emerged as the superpower of the world. The wealthiest nation with the greatest of advancements, the greatest of progress and evolution, हर फॉर्म में इंग्लैंड जो है प्रोग्रेस कर रहा था। क्वीन विक्टोरिया के आने से ऑफकोर्स वो चीज़ भी अपने और पीक पर जाती है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फेज जब इंग्लैंड, ठीक है, द लास्ट फेज जब इंग्लैंड अपने इंपीरियलिस्टिक पीक पे होगा। ये वो लास्ट फेज है जब इंग्लैंड अपने इंपीरियलिस्टिक वेंचर को जो है एंजॉय करेगा, क्योंकि अब इसके बाद आते आते हम 20th सेंचुरी में आ जाएंगे। 20th सेंचुरी तक आते आते ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस जो हैं, आप अगर आप सिर्फ इंडिया का भी एग्जांपल ले लो, तो इंडिया पूरा का पूरा जो है उस टाइम पे अपने हाईएस्ट पीक पे था ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है? एट द सेम टाइम देयर वर अदर नेशंस, अदर साउथ एशियन नेशंस, अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अदर अफ्रीकन कंट्रीज जो अपने अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे। एंड देन वी हैव द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड
वर्ल्ड वॉर टू, तो धीरे धीरे करके इंग्लैंड की सुप्रीमेसी ब्रेक होती जाएगी, बहुत सारे नेशंस जो हैं उनके इंपीरियलिस्टिक वेंचर से ब्रेक करके अपनी इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स फॉर्म कर लेंगे. इंग्लैंड की जो मोनार्किकल पावर है वो सिर्फ टैग के तौर पर, नाम के तौर पर रह जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ वहाँ पर बचेगा नहीं, ठीक है. लेकिन अगर हम विक्टोरियन पीरियड की बात करते हैं, ये आखिरी फेज़ है जब इंग्लैंड अपने इंपीरियलिस्टिक ग्लोरी में था. दिस इज़ अ पीरियड ऑफ इमेंस वेल्थ एंड यू नो बहुत 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 एक्स्ट्रावेगेंट सोसाइटी थी विक्टोरियन सोसाइटी, बिकॉज मोस्टली जो इस पीरियड के मिडिल क्लास अपर क्लास लोग थे, इनके कुछ ना कुछ बिजनेसेस कॉलोनीज में सेट थे, इनको यहाँ बैठ के बस ये पेपर साइन करते थे, इनके आधे बिजनेसेस वहीं रन कर रहे थे. हर फैमिली से कोई एक एक दो दो मेंबर्स थे, जो कोई इंडिया गया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई कैनेडा गया हुआ है, तो हर कोई कहीं कहीं जाके वहाँ से जो है रिसोर्सेज को ड्रेन करके ला रहा था, और यहाँ इनकी जो फैमिली है सिर्फ उसको इंजॉय कर रही थी. इस पीरियड तक भी औरतों को हम एजुकेशनल राइट्स नहीं दिला पाए हैं, करियर राइट्स अभी तक औरतों के पास नहीं आए हैं, तो जो फीमेल्स हैं वो अभी भी डोमेस्टिक स्फीयर में ही रह रही थीं, तो उनके साथ कुछ सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट एसोसिएटेड था. जैसे कि एक लड़की की वर्च्यू, एक वुमन्स वर्च्यू, हर कैरेक्टर वॉज हर प्राइम फोकस. एंड देन ऑफकोर्स वी हैव यू नो राइटर्स लाइक फीमेल राइटर्स, फीमेल विक्टोरियन राइटर्स, जो कि मैरिज के थीम पे ही असेंशली जो है लिख रहे थे. फॉर एग्जाम्पल जेन ऑस्टन, ठीक है, वी हैव शार्लेट ब्रॉन्टे एट्सेट्रा, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, देन वी हैव अदर राइटर्स एज वेल. मेल राइटर्स का जो फोकस था, अटेंशन था, वो था रियलिस्ट फैक्टर्स की तरफ. ये वो पीरियड भी है जब इंग्लैंड जो है अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पे होगा, ठीक है. स्टीम इंजन वगैरह अब तक मार्केट में आ चुके हैं, तो मैकेनाइजेशन शुरू हो गई है, ठीक है. मैकेनिकल पावर ऑफ स्टीम इज बीइंग यूटिलाइज्ड नाउ फॉर वेरियस पर्पसेस, एंड धीरे धीरे करके जो है ये मैकेनिकल जो इनोवेशंस हैं ये एवरीडे लाइफ में अपना इम्पैक्ट शो करने लग जाएंगी, लोगों के घरों में पहुंच जाएंगी. ये सारा जो है हमें इस पीरियड में देखने को मिलेगा. हाय शैलेश, वेलकम, गुड आफ्टरनून. नहीं सूरज, जो मेन जो राइटर्स है फर्स्ट जनरेशन, वो उनको ही माना जाता है. मतलब रॉबर्ट साउथी जो है वो ऑल्सो, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जनरेशन. बट जो हम मेजर एज के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स को देखते हैं वो ब्लेक वर्ड्सवर्थ कोलरिज फर्स्ट एंड कीट शेली एंड बायरन सेकेंड, यही है, ठीक है. सो ये था हमारा, तो ये आपका हुआ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ द विक्टोरियन ईरा. Now, the Victorian period of literature roughly ranges, coincides with the year when Queen Victoria was ruling. That is, कौन सा period है? अभी आपको बताया, 1837 से 1901. During this period, Britain was transformed from a predominantly rural agricultural society into an urban industrial one. Like I said, industrial revolution अपने peak पे था. रोमांटिक एज में हमने कहा कि चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंट्री साइड, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेचर. लेकिन जो सिटीज़ में जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उसने रातों रात लोगों को जो है अमीर बना दिया, रईस बना दिया, और वो टेक्नोलॉजीज जो हैं अब ग्रेटर वॉल्यूम्स पे मल्टीप्लाई होने लगी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने लगी थी. तो यही, और ऑल्सो रोमांटिक ईरा जो अगर हम लिटरेचर में भी देखते हैं, उसका जो फोकल पॉइंट आता है वो आता है उस पीरियड के पॉलिटिक्स से ही. तो मैंने आपको रोमांटिक एज में भी समझाया था. अब जो भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रोमांटिक एज को हम देखते हैं, वो सारे पॉलिटिकल रीजंस मेनली फेल कर गए थे. जो भी रेवोल्यूशन लाने का था, या कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट की जो वॉइस थी, या मोनार्की को हटाने का जो भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे, नेपोलियन की डेथ के बाद ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ जो है फीकी पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है. तो लोगों का जो है डिसिल्यूजनमेंट भी हो जाता है विद एक्स्ट्रा रोमांटिसिज्म. तो उस रोमांटिक एज के एक रिएक्शन की तरह विक्टोरियन एज आती है, जिसका फोकस अब रोमांटिक चीज़ों पे नहीं है, इसका फोकस अब रियलिज्म पे है, ठीक है. रियलिस्ट चीज़ें, कि चीज़ों को हम ओवरली रोमांटिसाइज करके ना देखें, हम चीज़ों को रियलिस्ट लेंस से देखें, इस चीज़ पे फोकस है. तो कंट्री साइड से फोकस हटके वापस जो है सिटी पे आ जाता है, और जो एग्रीकल्चरल इंग्लैंड उस टाइम पे एक मेजरली एग्रीकल्चरल नेशन था, इस पीरियड तक आते आते वो अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पे आ जाता है. न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक रेल रोड्स एंड स्टीम प्रिंटिंग प्रेस यूनाइटेड ब्रिटन्स बोथ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली. लिटरेचर भी क्यों ग्रो किया इस पीरियड में, क्योंकि पहली बात तो अगर देश के एक कोने में एक प्रिंटिंग प्रेस, जो पहले के टाइम में दिन में 100 कॉपीज़ बना रही थी, अब वो दिन में 10,000 कॉपीज़ बनाने लगी.
और दूसरा अब उस देश के एक कोने से वो 10,000 कॉपीज को बहुत ही कम टाइम स्पैन में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था टू द अदर एंड ऑफ द नेशन. तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो फोकस है उससे भी कहीं ना कहीं लिटरेचर को ग्रोथ मिलती है. कंज्यूमरिज्म का जो एक हमारा कल्चर है वो ग्रो करता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब मास लेवल पे जो है प्रोड्यूस हो रहे थे और चीप अमाउंट्स में जो है प्रोड्यूस हो रहे थे. ऑल्सो इतने ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज जो कॉलोनी से ये लोग इनपुट ले रहे थे उनका उसका सारा फ़ायदा तो ये लोग खुद ही उठा रहे थे. तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स बना के वापस भेजते थे फिनिश गुड प्रोडक्ट्स वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइजेस में मल्टीप्लाई करके भेजते थे. अपनी कंट्री में ये उसको चीप अमाउंट्स में जो है कंज्यूम कर रहे थे. तो हर लेवल पे जो है कंज्यूमरिज्म का भी जो है ट्रेंड बढ़ जाता है. ये पिक्चर से आप देख सकते हो, ठीक है, आप पिक्चर से देख सकते हो धीरे धीरे करके सिंपल लेवल पे इस तरीके की जो है, मतलब पहले तो हॉर्स वैगन्स होते थे, घोड़ा बग्गी में ही लोग ट्रैवल कर रहे थे. अर्ली विक्टोरियन पीरियड में भी लोग घोड़ा बग्गी में ट्रैवल कर रहे थे. जैसे जैसे हम लेट विक्टोरियन पीरियड में आने लगते हैं ऐसे छोटे छोटे सिंपल स्कूटर्स आने लगते हैं सीन में, ठीक है, छोटी छोटी बाइक्स आने लगती हैं. हाय रीना, गुड आफ्टरनून, वेलकम. सो इस तरीके से जो है हमारा चेंज हो रहा है. प्रिंटिंग प्रेस आप देख सकते हो, प्रिंटिंग प्रेस बढ़ रही है. चाइल्ड लेबर भी इसी के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता है. सोसाइटी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट फ्लैम्बॉयंट हो गई है क्योंकि अब इन लोगों को यहाँ बैठ के बस पेपर साइन करने थे. इनके लिए काम तो इनके लेबरर्स कर रहे थे या फिर इनके बिजनेसेस इनकी कॉलोनीज में सेट थे. तो साल में ये लोग एक आधी बार वहाँ अपना बिजनेस देख आते थे, बाकी ये यहाँ आके रिलैक्स करते थे, एंजॉय करते थे. तो बॉल डांसेस होते थे, बॉल रूम गाउंस पहन के हाई टीज अटेंड करते थे, पार्टीज अटेंड करते थे. ये वाला जो सारा ट्रेंड है ये चलता था. तो हर तरीके से जो है विक्टोरियन सोसाइटी के लोगों ने मतलब बहुत ही आलीशान शाही जिंदगी जो है बिताई थी इस पीरियड में, ठीक है. रीना एम पी सेट के बारे में सॉरी मैं कर नहीं पाई बिकॉज एच टेट का एग्जाम था अभी और वो के वी एस का भी वैकेंसी आई हुई है ना, थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है, मैं कर नहीं पाई. मेरे को टाइम लगेगा, मैं ज़रूर करूँगी. तब तक मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी, महाराष्ट्र सेट हो या एम पी सेट हो, आप लोग अपने लेवल पर उसका सिलेबस रीड करके समझने की कोशिश करो. अगर कोई भी टॉपिक्स मेरे किसी भी पुराने कोर्स के टॉपिक्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं तो आप उस मेरी उस कोर्स से आप जो है स्टडी कर सकते हो ताकि आपके एम पी सेट की तैयारी जो है साथ साथ होती रहे. आई थिंक दिस इज़ वन फेयर एंड प्रैक्टिकल सजेशन दैट आई कैन गिव टू यू हियर. Although now the period is popularly known as a time of formal conservative moral values, the Victorians perceive their world as rapidly changing. तो एक तरफ तो आप बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की फॉर्मेशन हो रही है, मास लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, सोसाइटी जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत प्रोग्रेस कर रही है. तो मे बी सोशली भी ये प्रोग्रेस हो रहे होंगे, सोशली भी ये एवोल्यूशंस हो रहे होंगे, पर मामला बिल्कुल उल्टा था. मामला ये था कि जहाँ तक हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी रोमांटिक एज के कंपैरिजन में ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है. कोई वही बात हमेशा घूम फिर के एक्शन रिएक्शन की थ्योरी. न्यू क्लासिकल एज काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड थी, काफ़ी ज़्यादा रूल्स को मानने वाली थी. उसके रिएक्शन में विक्टोरियन एज आता है जो ज़्यादा ही लिबरल हो जाता है. अब उस लिबरलिज्म, वो ओवर लिबरलिज्म और ओवर फ्रीडम को कर्ब करने के लिए हमारी विक्टोरियन एज आ रही है. इसमें वापस से जो है रूल्स, कन्वेंशंस, नॉर्म्स पे जो है फोकस आ जाएगा, स्पेशली द रूल्स दैट वी क्रिएटेड अराउंड जेंडर रोल्स इन द सोसाइटी. तो एक मेल का रोल घर से बाहर जाके काम करके ब्रेड विन करने का है और एक औरत का काम घर पे बैठ के बच्चे पालने का है, घर का काम करने का है, घर संभालने का है. एक लड़की के पास करियर ऑप्शंस नहीं थे, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे. आपको होम एजुकेशन मिल रही थी बट मोस्टली उसमें भी फोकस ये था कि आपको सिलाई बुनाई सिखा दी, आपको पियानो चलाना सिखा दिया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा अच्छा बजाती हो बेटी, गाना कैसे गाती हो तुम, डांस कैसे करती हो. इस बेसिस पे वो एक अच्छे लड़के से शादी कर सकती थी, एक ऐसे लड़के से जो अच्छे घर का है, वो उसको एक अच्छा बैकग्राउंड जो है प्रोवाइड कर सकता है. सो द वर्किंग क्लास वुमेन एंड पीपल ऑफ कलर वर एजिटेटिंग फॉर राइट टू वोट एंड देमसेल्व्स. तो ये वो पीरियड है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की, जो लोग ऑफकोर्स मेजॉरिटी में थे वो अपने रूल्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, अपने नॉर्म्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे. जो लोग उस मेजॉरिटी के दायरे से बाहर थे, फॉर एग्जांपल जितने भी अफ्रीकन्स को स्लेव्स बना के अब यहाँ लाया गया था, तो अब जो लोग अपनी स्लेवरी से फ्री हो गए थे वो अब अपने लिए नए राइट्स ढूंढ रहे थे. मिडिल क्लास मेन एंड वेमेन अपने लिए जो है काफ़ी सारे राइट्स ढूंढ रहे थे. तो वोटिंग राइट्स को लेकर जो है एक डिस्कोर्स, एक डिस्कशन शुरू हो जाता है सोसाइटी में. रिलीजियस फेथ वॉज स्प्लिंटरिंग इंटू एथिस्ट बिलीव्स. तो जहाँ तक कुछ मेजॉरिटी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्च गोइंग भी हो गए थे,
बिल्कुल एक अलग सेक्शन था सोसाइटी का जो पूरे तरीके से एथिस्ट हो गया था, उन्होंने रिलीजन को मानना छोड़ दिया था. लेकिन फिर भी याद रखिए, मोरालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द विक्टोरियन सोसाइटी. मोरालिटी स्पेशली दैट वॉज अटैच टू अ वुमन्स वर्च्यू एंड अ वुमन्स कैरेक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एज, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इस पीरियड के लिटरेचर में देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये सब ये पॉइंट्स तो खैर मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि रेल रोड्स बनने से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है, इससे लिटरेचर को डायरेक्ट एक बूम मिलता है. लिटरेचर इस वजह से बहुत ग्रो करेगा, लिटरेरी वर्क्स इस पीरियड की वजह से बहुत ग्रो करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप देश के किसी एक कोने में भी प्रोडक्शन हो रही है एट अ मास लेवल, तो बहुत कम टाइम में ओवरनाइट जो है वो गुड्स, वो बुक्स को आप देश के दूसरे कोनों तक जो है सर्कुलेट कर पा रहे थे एट मास लेवल्स, एट हाई स्पीड, एट द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल. तो लिटरेचर को ग्रोथ मिलता है, बूम मिलता है इसकी वजह से. अब थोड़ा सा देखते हैं लिटरेचर पे, विक्टोरियन एज का जो लिटरेचर है, पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवेल्स है, उन पे जो क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पोइट्री. ठीक है, हाँ जी, चलिए पोइट्री का एक छोटा सा फोकस देख लेते हैं. पोइट्री जो है इस पीरियड का, पोइट्री वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉनरस ऑफ विक्टोरियन पीरियड. द रोमांटिक पोइट्स पर्टिकुलरली विलियम वर्ड्सवर्थ वर रिवेयर्ड एंड वाइडली कोटेड. द विक्टोरियंस एक्सपेरिमेंटेड विद नैरेटिव पोइट्री विच टेल्स अ स्टोरी. अगेन स्टाइल ऑफ पोएम्स पे फोकस पड़ता है. क्लासिकल एज का जो न्यू क्लासिकल एज में जो इमिटेशन हो रही थी, सटायर्स लिखे जा रहे थे, उनके रिएक्शन में रोमांटिक पोइट्री आती है जो कि हाईली लिरिकल है. उसमें राइटर अपने पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ज़्यादा वो जो ओवर एक्सप्रेशन था उसको कर्व करने के लिए अब नैरेटिव पोएम्स पे जो है फोकस आने लग जाता है. सो पोएम जो है नैरेटिव टाइप की ज़्यादा हो जाती है. नैरेटिव मतलब जो एक स्टोरी बता रही हूँ, जो एक कहानी बता रही हूँ. तो लिरिकल पोइट्रीज का ट्रेंड काफ़ी कम हो जाता है, नैरेटिव पोएम्स का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है. ये वो पोएम्स हैं जो किसी तरीके की कहानी नैरेट कर रही हैं, किसी तरीके की स्टोरी को नैरेट करेंगी. ठीक है, सो देर आर नॉट ओनली देवर मेल राइटर्स, देवर ऑल्सो फीमेल राइटर्स हु आर गेटिंग इन टू इट. पोइट्री पे जो फोकस है वो इस कदर आता है कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने, बल्कि उस पीरियड में बहुत ही फेमस, ये एक नॉवल लिख दिया था पोइटिक फॉर्म में, जिसका कि नाम है अरोरा ले. ये नोट कर लीजिए आप लोग. कुछ कुछ जो मैं आपको बीच बीच में से राइटर्स के नाम या वर्क्स के नाम लिखवाती रहूँगी, आप लोग उनको अलग से नोट कर सकते हो. आप लोग शाम को जाके उनके बारे में खुद से रिसर्च करो, रीड करो, उसके बारे में अलग से नोट्स बना लो. ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से NFTs हैं और आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने तो पूरा का पूरा एक नॉवल ही लिख दिया था वर्ड्स की फॉर्म में. तो अब इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन होने लगा है कि प्रोज न वर्स एक दूसरे के साथ जो है कोलाइड करेगा. ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करके नई तरीके की इनोवेशंस क्रिएट करी जा रही हैं. अच्छा, ऑल्सो याद रखो, रोमांटिक एज पूरा का पूरा जो है रेन ऑफ टेरर से गुजर रहा था, वॉर पीरियड था. आने वाला इसके बाद का जो पीरियड है मॉडर्न एज, वो भी पूरा का पूरा वॉर से घिरा रहेगा. पूरी मॉडर्न एज में दो बार वर्ल्ड वॉर्स हो जाएंगे. ठीक है, जो पूरे के पूरे यूरोप को जो है फ्रैगमेंट कर देंगे, फ्रैगमेंटेड कर देंगे, शैटर्ड कर देंगे. तो विक्टोरियन पीरियड ये दो पीरियड्स के बीच का एक इकलौता ऐसा पीरियड था जो पीसफुल था, जिसमें जिसमें कि पीस जो है हो रहा था. एक सेकंड रुकिए. विक्टोरियन पीरियड आफ्टर द टर्मोइल ऑफ द रोमांटिक एज, ये एक पीरियड आता है जिसमें शांति है, जिसमें पीस है, जिसमें लोग आराम से जो है अपने टाइम को एंजॉय कर पा रहे हैं. तो क्योंकि अब कुछ टाइम के लिए लोगों का दिमाग शांत है, उनको सर्वाइवल की दिक्कत नहीं, उनको सर्वाइवल का स्ट्रेस नहीं है, तो ये वो पीरियड है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेरी फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर देंगे. तो जैसे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने पोइटिक फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसको कोलाइड कर दिया विद द नॉवल फॉर्म. देन ऑफ कोर्स देवर यू नो क्रिस्टीना रोजेटी, ये बहुत ही फेमस पोएम लिखेंगी उस टाइम की, गॉबलिन मार्केट. ये एक NFT टॉपिक है आपका, इसके ऊपर कई बार नेट में सवाल पूछा गया है. इसकी पूरी की पूरी पोएम आपको रीड करनी है, पूरी समरी आपको पता होनी चाहिए. इस पोएम में से ना समरी बेस्ड क्वेश्चंस आए दिन आए हुए हैं कि जब ये हुआ तब क्या हुआ, जब ये हुआ तब क्या हुआ. तो समरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पोएम से, गॉबलिन मार्केट. तो इसके बारे में आप ज़रूर अलग से आज रीड कर लेना घर पे जाके. तो क्रिस्टीना रोजेटी की ये पोएम है, ये भी एक शॉर्टर पोएम है, इतनी भी शॉर्ट नहीं, इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग पोएम, बट अगेन इट्स अ नैरेटिव पोएम.
एक पूरी की पूरी जो है कहानी सुना रही है यहाँ पे. सो द थीम अबाउट द थीम इज वुमन इज सड्यूस्ड इनटू ईटिंग ब्यूटिफुल फ्रूट्स सोल्ड बाय गॉब्लिंस एंड हाउ हर सिस्टर सेव्स हर आफ्टर शी सिकेंस. सो दो थीम्स निकलते हैं इस पोयम में एक्चुअली. एक तो है दिस पोयम इज अ क्रिटिक ऑन द न्यूली ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड. विक्टोरियन इंग्लैंड में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ग्रोथ था और जो कंज्यूमरिज्म का एक ट्रेंड चल गया था उसके अगेंस्ट ये पोयम क्रिटिक है. दूसरा दिस पोयम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द idea of purity and piousness that was attached with female virtue. वो वाले themes जो हैं वो भी इस period में हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है ना. तो बहुत important poem है. NFT topic है. इसके बारे में आज आप लोग ज़रूर घर जाके सब लोग पढ़ेंगे. Victorian poets also developed a new form of poetry called dramatic monologue. In which a speaker recites the substance of the poem to an audience within the poem itself. ये जो audience है उसका ये एक अज्यूम लिसनर है जो साइलेंट रहता है थ्रू आउट पोयम में. ठीक है. ये एक अज्यूम लिसनर है जो कि साइलेंट रहेगा थ्रू आउट पोयम में. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत इंपॉर्टेंट एक पोइटिक फॉर्म बन के उभरता है इस पीरियड में जिसके फादर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. ठीक है. ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं बिकॉज इसका बहुत ही अलग सा कैरेक्टरिस्टिक है. वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं. इसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं. डायरेक्ट भी बन सकता है कि चार स्टेटमेंट्स दे दी आपको और उन चारों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में इनकरेक्ट है तो आपको वो आइडेंटिफाई करनी है. ऐसे भी सवाल इसमें बन सकते हैं. ठीक है. गुड आफ्टरनून शॉर्ट स्टोरीज वेलकम टू द क्लास. अच्छा और ये लोगों को थोड़ा समझाने के बाद भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में गलती करते हैं तो वो मैं थोड़ा सा आपको अभी अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि होता क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग. मोनोलॉग का क्या मतलब होता है. मोनो का क्या मतलब हुआ. मोनो यानी सिंगल. लोग यानी लैंग्वेज या फिर वॉइस. तो हमें एक ही इंसान की वॉइस सुनने को मिल रही है थ्रू आउट द पोएम. दो तीन वॉइसेस नहीं आ रही. एक ही इंसान जो है वो कहानी सुना रहा है इन अ ड्रामेटिक फॉर्म. ठीक है. ड्रामेटिक ड्रामा क्या होता है जिसमें एक्शन सेंट्रल होता है यानी कि एक सिचुएशन चल रही है एक इवेंट है. हमारा जो स्पीकर है उस सिचुएशन के बीच में खुद है. ही इज हिमसेल्फ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. ही इज हिमसेल्फ एन एक्टिव सब्जेक्ट ऑफ दैट यू नो ड्रामेटिक पोएम. And he is telling something about, you know, that. So, वो अपनी कहानी डायरेक्टली रीडर को नहीं सुना रहा है. अदरवाइज कोई भी जो पोएम होती है आप देखोगे उसमें रीडर राइटर डायरेक्टली अपने रीडर को एड्रेस कर रहा होता है. तो हमारा जो ऑथर है उसको पता है कि उसका जो स्पीकर है उसकी वॉइस डायरेक्टली ऑडियंस सुन रही है रीडर सुन रहा है. लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऐसा नहीं होता. ड्रामेटिक मोनोलॉग में बीच में एक सेकेंड पार्टी है जो ऑथर और रीडर के बीच में है. सो ही इज एन अज्यूम लिसनर. ठीक है. एन अज्यूम लिसनर हु विल रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द पोएम. साइलेंट है उसकी वॉइस नहीं आ रही तभी ये एक मोनोलॉग है. ओके. तो ये जो हमारा अज्यूम लिसनर है ये कौन है इसकी आइडेंटिटी क्या है वो भी हमें हमारा स्पीकर बताएगा. वो स्पीकर किस सिचुएशन में फंसा हुआ है वो किस सिचुएशन का पार्टिसिपेंट है वो भी वो हमें स्पीकर ही बताएगा. एंड वाइल स्पीकिंग थ्रू आउट द पोएम वाइल नैरेटिंग द सिचुएशन ही विल ऑल्सो रिवील समथिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज साइकी. There is something about that character that is very specific that will be revealed through his monologue. So what he is, what is going on inside of him, what his personality is, then to whom is he addressing his monologue and in which situation he is caught. वो सारा हमें हमारा ये speaker ही बताता है. इसका मतलब है अगर जो बात हमें हमारा स्पीकर नहीं बताएगा जो हमारे ड्रामेटिक मोनोलॉग का स्पीकर हमें जो रिवील नहीं करेगा वो हमें पता भी नहीं लगेगा. फॉर एग्जांपल रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है ये पोएम माय लास्ट डचेस. अगेन ये NFT टॉपिक है आपका. अगर आपने अभी तक इसको रीड नहीं किया तो पूरी की पूरी भाई पोएम रीड करो. पोएम के एक एक एलिमेंट को समझो कौन स्पीकर है कौन लिसनर है कौन कौन से नेम्स उसमें मेंशन है. पोएम के अंदर कुछ आर्टिस्ट के नेम्स मेंशन है वो सब नोट करो. और मेरे हिसाब से ज़रूर आप लोगों को जो है उसके ऊपर अलग से नोट्स बना लेने चाहिए. NFT टॉपिक है. आए दिन इस पोएम में से सवाल आते रहते हैं आपके नेट के एग्जाम में. ठीक है ना. सो इसके अंदर भी जो हमारे ड्यूक हैं उनकी बातों से हमें एक आइडिया लगता है कि शायद उन्होंने ही अपनी डचेस को मारा है. तो अगर वो अपने मुंह से जब तक ये कन्फेस नहीं करेगा कि हाँ मैंने उसको मारा तब तक हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी
और क्योंकि वो बात हमें आधी अधूरी बताता है, तो एज रीडर्स हम अज्यूम ही कर सकते हैं दैट ही इज़ द वन हु किल्ड हिम, ठीक, ही इज़ द वन हु किल्ड हर. सो अगेन, जितना हमें वो स्पीकर बताना चाहता है हमें उतना ही पता लगेगा, उससे ज़्यादा जो है हमें नहीं पता लगने वाला. ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट होता है. उसके अलावा वी हैव लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा डीपली जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म ऑफ पोइट्री के साथ एक्सपेरिमेंट किया, पर्टिकुलरली इन हिज पोएम्स लाइक फॉर एग्जांपल यूलिसिस. देन वी हैव द लोटस ईटर्स. लोटस ईटर्स में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस्तेमाल है. इसके अंदर मिक्स है, इसके अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग प्लस कोरिक सॉन्ग्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग प्लस कोरिक सॉन्ग्स, ठीक है, ये जो है देखने को मिलते हैं. एंड यूलिसिस सिंह की जो पोएम है ये पूरी की पूरी जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में जो है लिखी हुई है. अगेन, लोटस ईटर्स, यूलिसिस, ये दोनों आपके एनएफटीज हैं, ठीक है. ये सारे जो जो वर्क्स के नेम्स मैं आपको बता रही हूँ, आज आप लोगों ने घर जाके, हाय निशा, गुड आफ्टरनून, आज आप लोगों ने घर जाके इसको अलग से रीड करके आना है. सबको अलग से आपकी तैयारी जो है इन टॉपिक्स पे होनी चाहिए, नो मैटर वॉट. ओके, सो ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक पोएम है इस पीरियड का. टेनिसन ने ऐसा नहीं है सिर्फ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं, उन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं, नॉन नैरेटिव पोएम्स भी लिखी हैं, इंक्लूडिंग हिज वेरी वेरी फेमस एलिजी इन मेमोरियम AHH. अपने फ्रेंड आर्थर हैलम की डेथ पे उन्होंने बहुत फेमस एक लिरिक पोएम भी लिखी है, एलिजी है इन मेमोरियम. तो उन्होंने नॉन नैरेटिव पोएम्स भी जो हैं लिखी हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही फेमस लाइन, बहुत ही फेमस कोट है इस पोएम का, इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, ठीक है. ये वाला तो, ये कोट तो बहुत ही फेमस है. ये वाला कोट शाहरुख खान भी कोट करते हैं. शाहरुख खान टेनिसन के दोनों पोएम्स के लाइंस को कोट करते हैं. तो शाहरुख खान के दो तीन अलग अलग इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है, तो इस पोएम से ये वाला कोट, इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट एंड नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, आप लोगों ने सुने, देखना एक बार. और यूलिसिस पोएम की बहुत ही फेमस जो क्लोजिंग लाइन्स हैं, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये वाली लाइन्स भी मैंने शाहरुख खान के इंटरव्यू में देखा है उनको कोट करते हुए. एंड इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट वाले कोट को भी मैंने देखा है. सो दैट्स ऑल्सो लाइक एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. प्रॉब्ली ही ऑल्सो लाइक लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन अ लॉट, ठीक है. देन उसके अलावा ना कि सिर्फ इस तरीके के बट और तरीके से पोइट्री में इनोवेशन चल रहे थे उस पीरियड में, ठीक है. सो देवर राइटर्स लाइक लुइस कैरल एंड एडवर्ड लियर हु ऑल्सो इन्वेंटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री कॉल्ड नॉनसेंस पोइट्री, ठीक है. नॉनसेंसिकल पोइट्री थी, और पर्टिकुलरली लुइस कैरल की जो दो फेमस नॉवेल्स हैं, एलिस इन द वंडरलैंड एंड एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास, उसके अंदर ही एक्सपेरिमेंटेड विद दिस फॉर्म ऑफ नॉनसेंसिकल पोइट्री कॉल्ड जैबरवॉकी, ठीक है, कॉल जैबरवॉकी. सो इसके अंदर जो है बहुत अलग तरीके से वर्ड्स और सिंटैक्टिकल जो स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे वर्ड्स का काफ़ी वियर्ड है. कई सारे नए वर्ड्स उन्होंने इस पोएम के लिए जो है इन्वेंट भी किए थे, ठीक है. उसके अलावा एडवर्ड लियर की एक फेमस पोएम है, द आउल एंड द पुसी कैट, ये भी एक बहुत ही फेमस नॉनसेंसिकल पोएम है इस टाइम की. तो नए नए तरीके से जो है इनको जो है पोएटिक फॉर्म्स में जो है एक्सपेरिमेंटेशन भी देखने को मिला था. कौन सा कोट एक्सप्लेन रीना, इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट एंड नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, ये वही वाली बात है. ये अपने गीता का जो अपना वचन है कि कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, ठीक है. सो द आइडिया की इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस, कुछ ट्राई करके फेल करना बेटर है रादर देन नॉट ट्राइंग एट ऑल. फेलियर के डर से आप पहले अगर किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो पहली बात तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं गेन हो पाएगा, एक्सपीरियंस आपको मच्योर करता है. दूसरा, अगर आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप उसमें सक्सीड करोगे या फेल करोगे, वो तो ट्राई करने के बाद ही पता लग सकता है. तो हम सब में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि लाइफ में जो हम एम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को हम ड्रीम कर रहे हैं, हम उसको ट्राई ज़रूर करें. फिर चाहे हमें फेलियर मिले सक्सेस मिले वो अलग बात है, फेलियर से नहीं डरना चाहिए. सो इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, कि भाई दिल टूटेगा दिल टूटेगा दिल टूटेगा ये कह कह के आप प्यार ही ना करो, लेकिन लव इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सो वो मेटाफर, वो लव वाला मेटाफर यूज़ करके उन्होंने लाइफ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो है हमें सिखाने की कोशिश की है, ठीक है जी. अब आ जाते हैं इस पीरियड के फिक्शन पे. सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी फॉर्म इस पीरियड में जो उठ के आती है वो है आपका फिक्शन, पर्टिकुलरली नॉवेल्स. उसका रीज़न क्या था आपको अभी भी बताया, लोग फ्री थे, वेले थे, टाइम पास कर रहे थे, ठीक है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए था. तो
नॉवल एक ऐसे ही फॉर्म की तरह इमर्ज किया था 18th सेंचुरी इंग्लैंड में, जो लेजरली आवर्स के लिए लिखा जाता था, जिसकी स्टोरीज एंटरटेनिंग होती थी, जिसके कैरेक्टर्स रिलेटेबल होते थे. तो इस पीरियड में सिर्फ इतने यही कह देना कि नॉवल्स में रियलिज्म था, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अप्रोच के साथ की जाने वाली बात है, स्पेशली एज स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, एज स्टूडेंट्स हु आर एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट. हम इतने लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं बात कर सकते कि भाई लिटरेचर में रियलिज्म था इस पीरियड में. नहीं, बहुत से रियलिज्म के भी अलग अलग टाइप्स थे. देयर वाज सोशल रियलिज्म, देयर वाज इंडस्ट्रियल रियलिज्म, देयर वाज साइकोलॉजिकल रियलिज्म, देयर वर गॉथिक लिटरेचर, देयर वर हिस्टोरिकल नॉवल्स. बहुत सारे फॉर्म्स में जो है फिक्शन के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था. रीडरशिप बढ़ गई थी, रीडरशिप का बढ़ने का भी रीज़न मैंने आपको बताया. लोग अब कंज्यूम करने को तैयार थे, लोग लिटरेरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए रेडी थे, उनको पे करने के लिए उनके पास पेइंग कैपेसिटी थी, उनको बस मटेरियल चाहिए था टू लैच ऑन. सो विद द ग्रोथ ऑफ स्टीम प्रिंटिंग प्रेस एंड विद द लेइंग डाउन ऑफ यू नो दिस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रेल रोड्स इन द होल ऑफ इंग्लैंड, अब नॉवल्स या बुक्स का जो प्रोडक्शन है वो भी मास लेवल पे होने लगा. उसी के साथ साथ एक कोने से देश के दूसरे कोने तक वो जो प्रोडक्ट है उसको भेजा जा सके ओवरनाइट. आज एक नॉवल रिलीज हुआ, कल सुबह तक वो पूरे देश में फैल गया. तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाता है. तो इस वजह से नॉवल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है उनको रीड किया जाने लगा. सो इस पीरियड का जो रियलिज्म है वो अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है. पर सिर्फ ये कहना रियलिज्म था ये भी ठीक नहीं है. गॉथिक लिटरेचर भी इस पीरियड में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है. पर्टिकुलरली इन वर्क्स लाइक शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन एयर, ठीक है. देन वी हैव द नॉवल वुदरिंग हाइट्स, वो भी एक गॉथिक नॉवल का ही पार्ट है. तो रोमांटिक ईरा में जो गॉथिक लिटरेचर थोड़ा बहुत जो इमर्ज किया था उसके थोड़े बहुत पार्ट्स हमें इस पीरियड में भी जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो तो कुछ मैंने अच्छा जेन एयर भी आपका एक NFT टॉपिक है. जेन एयर की पूरी समरी, इसके सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, सारी की सारी ब्रॉन्टे सिस्टर्स कौन कौन थी, तीनों के रियल नेम्स क्या थे, तीनों के कौन कौन से वर्क्स प्रोड्यूस्ड हैं. अभी इस बार के HTET के TGT के पेपर में आ गया. अब HTET का इस बार का TGT पेपर बहुत ही धमाकेदार आ गया है, PGT लेवल का आ गया. मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने एक्सचेंज कर दिया है. जो TGT को देना था वो गलती से PGT को दे दिया, जो PGT को देना था वो TGT को दे दिया. तो शायद एन ब्रॉन्टे या शायद एन ब्रॉन्टे के ऊपर ही था कि उन्होंने टोटल कितने नॉवल्स पब्लिश किए हैं. तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स के ऊपर इस बार जो है, नॉर्मली वैसे HTET में इतने डीप लेवल पे आता नहीं है, पर काफ़ी शॉकिंग पेपर था इस बार का. तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स कौन कौन सी, तीनों के नॉवल्स कौन कौन से थे, तीनों के नॉवल्स की बेसिक समरी, बेसिक कैरेक्टर्स, ये आप लोगों को जो है पता होने चाहिए, ठीक है. हाँ जी, आई होप आप सबको समझ आ रहा है. भाई बीच बीच में थम्स अप भी भेजते रहो मुझे, ज़रा मुझे एक बढ़िया सा थम्स अप भी भेज दो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको कैच कर रहे हो बढ़िया से. बिल्कुल बिल्कुल मिधत, कैसल ऑन ओट्रांटो, ठीक है, ये अभी मैं आगे डिस्कस भी करूँगी. गॉथिक जॉनरा को भी मैं और डिटेल में आके डिस्कस भी करूँगी. सो गॉथिक जॉनरा से एक नया जॉनरा जो है और इस पीरियड में डिवेलप हो जाता है, कॉल्ड सेंसेशन फिक्शन. चीज़ सेंसेशनल होती है, मतलब क्या होता है उसका, कोई चीज़ सेंसेशनल होती है मतलब आपकी सेंसेस को अपील कर रही है, आपकी सेंसेस को एक शॉक ट्रीटमेंट दे रही है. आप भौचक्के रह जाते हो, आप आश्चर्यचकित हो जाते हो कि भाई ये क्या हुआ, ठीक है. तो उसके लिए ना उसमें एक सस्पेंस का एलिमेंट आना बहुत ज़रूरी है. कोई चीज़ आपको तब तक शॉक नहीं करेगी जब तक आप उसको लीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करोगे. सो यू हैव टू बी लीस्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड देन सडनली इट हैपन्स एंड यू गो लाइक ओ माई गॉड वॉट जस्ट हैपन. तो वहाँ से वो सस्पेंस और सेंसेशनलिज्म का एलिमेंट आता है. सेंसेशन फिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी जॉनरा की तरह इमर्ज करता है, सनसनी बिल्कुल इस पीरियड में. तो अलग अलग तरीके से राइटर्स ने सेंसेशन के एलिमेंट को लिटरेचर में डाला. जैसे कि जेन एयर नॉवल में भी वी हैव यू नो द मैड वुमन इन द एटिक एंड यू नो अ हिडन मैरिज ऑफ हर बिलवड, ठीक है. ऐसे ऐसे थीम्स हमें, फेक मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है, बायगेमी है कि एक इंसान ने एक लड़की से शादी कर ली, उसको अपने प्यार में फंसा के पता चला वो पीछे से पहले से ही शादीशुदा है, उसकी जो बीवी है वो पागल हो रखी है, ठीक है. तो ऐसे डिसेप्टिव थीम्स यूज करके सेंसेशन को डाला जा रहा था उस पीरियड के लिटरेचर में. विल्की कॉलिंस वॉज अ राइटर उस पीरियड के जो काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल नॉवल्स लिखते थे. विल्की कॉलिंस ने
सेंसेशन फिक्शन को उसकी नई पीक दिखाई, सेंसेशनल एलिमेंट्स को जो है अपने वर्क्स में यूज़ किया। इन्हीं से इंस्पायर होकर आके थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस जैसे राइटर्स भी थोड़ा थोड़ा सेंसेशनल एलिमेंट्स को अपने वर्क्स में डालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, उसके अंदर भी मिस हैविशाम का कैरेक्टर है, थोड़ा सा गॉथिक एलिमेंट है उनके अंदर भी, उसमें भी हल्के से सेंसेशनल एलिमेंट्स हमें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में भी देखने को मिलते हैं। विल्की कॉलिंस ने सेंसेशन फिक्शन को जो है एक नया रूप दिया इस पीरियड में। वुमन इन वाइटिंग का बहुत ही फेमस नॉवल है इस पीरियड का, द वुमन इन वाइट, ठीक है, टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु ऑफ टू वुमेन हु लुक स्ट्रेंजली अलाइक एंड आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर एट वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। दो औरतें जो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं तो अपने एक दूसरे की लाइफ की सिचुएशन में उन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं एट वेरियस पॉइंट्स। तो बड़ा ही अजीब सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने एक्चुअली नॉवल पढ़ा नहीं है, बट मेरा मन कर रहा है, मैं ज़रूर इसको जो है पढ़ूंगी, ठीक है ना। हाँ जी, शॉर्ट स्टोरी डेली क्लास लूँ बस बाबा, अब एक हफ्ते की और बात है फिर मैं डेली क्लास शुरू कर दूंगी, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ आप लोगों को। हाँ जी बिल्कुल देवचरण, फितूर मूवी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है, एंड ये जो वाला नेट मैंने क्वालिफाई किया था 2018 वाला, उसमें ये सवाल भी आया था कि कौन सी मूवी है वगैरह वगैरह, तो ये उस साल में क्वेश्चन पेपर में भी ये आया हुआ है, ठीक है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैरी एलिजाबेथ ब्रैडन का लेडी ऑडली सीक्रेट इज अ नॉवल इन विच अ सपोजिटली डीरेंज वुमन, डीरेंज यानी थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल, tries to kill her husband after he realizes that she has married another man. तो खुद जो है ये एक दूसरे इंसान से शादी कर लेती है, जब उसके हस्बैंड को उसकी सच्चाई पता लग जाती है वो अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करती है। तो ऐसे शॉकिंग थीम्स के ऊपर जो है, तो वही है ना, लोगों को ड्रामा चाहिए तो उनको ड्रामा मिल रहा था, लोगों को घर बैठे बैठे एंटरटेनमेंट चाहिए था तो राइटर्स उनको एंटरटेनमेंट दे रहे थे। अच्छा तुम्हारा, तुम्हें शौक होना है, लो शॉकिंग एलिमेंट्स। अच्छा तुम्हें कुछ सेंसेशनल पढ़ना है, लो सेंसेशनल एलिमेंट्स। हर तरीके से राइटर्स जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कौन ज़्यादा सेंसेशनल। जैसे हमारे ये इंडियन सीरियल्स हैं, ये जो ऑल दीज एकता कपूर सीरियल जो स्टार प्लस वगैरह पे आते थे, क्या होता था उसमें, आज मिहिर मर गया, ठीक है, एक साल बाद जो है वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के वापस आ गया है, ठीक है, पता चलता है वो वाली जो हीरोइन है उसका तो पहले से कहीं और कोई बेटा बेटा है, वो बेटा कहीं से वापस आ जाता है जायदाद में अपना पैसा लेने के लिए, ठीक है, या मिस्टर बजाज है, मिस्टर बजाज के साथ ये है वो, ऑल दीज। अब ये शो चल रहा है आजकल एक, मैंने तो देखा नहीं है बट मैं बहुत सुन रही हूँ उसके बारे में, अनुपमा, उसमें भी आई थिंक इस तरीके के थीम्स आपको देखने को मिलते हैं। वो उसके साथ है, उसने शादी कर ली, वो उसने उसको छोड़ दिया, कोई सीढ़ियों से गिर गई, फिर वो वापस जिंदा होके आ गई, कोई पर्दे से लटक गई, कोई नागिन वागिन के शो चल रहे हैं, सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो इनको इतनी टीआरपी मिल कहाँ से रही है, क्योंकि व्यूअरशिप है ना, लोग लैच कर रहे हैं ऐसे टॉपिक्स पे, लोग कंज्यूम कर रहे हैं ऐसा मटेरियल, तभी तो रातों रात भाई एकता कपूर जैसे लोग इतने अमीर हो गए हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हर, ऑफ कोर्स शी हैज़ मेड अ ग्रेट बिजनेस आउट ऑफ इट, लाइक गुड फॉर हर, वुमन पावर, वू हू ग्रेट एंड एवरीथिंग, बट देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट इंडियन टीवी सीरियल्स आर शोइंग, आई एम जस्ट अमेज्ड। थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू बाबा, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल कोमल, रोज बस जल्दी रोज शुरू कर दूंगी। तो कमाल है ना, लोग देख रहे हैं सब चीज़ें, लोग ये मटेरियल को एंजॉय कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इट्स वियर्ड, इट्स फनी एक्चुअली। तो ये चीज़ें जो है लोगों को शॉक कर रही थी उस टाइम पर, लोगों को ये सब देखना जो है पसंद आ रहा था। वन ऑफ द एम्स ऑफ सेंसेशन फिक्शन वॉज टू सरप्राइज एंड ट्रबल रीडर्स बाई चैलेंजिंग सोशल कन्वेंशंस। अब ये तो मैंने आपको बोला था कि विक्टोरियन ईरा चाहे अपने मैकेनाइजेशंस में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में कितनी भी ग्रो कर रही थी, सोसाइटी की मोरालिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट होती जा रही थी। उसी वजह से जो है कुछ राइटर्स जो अपने लेवल पर उन सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे, वो ऑन फेस नहीं चैलेंज कर पा रहे थे, ठीक है ना, वो ऑन फेस नहीं कर पा रहे थे, वो डायरेक्टली विक्टोरियन मोरालिटी को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, तो वो सेंसेशनल फिक्शन के थ्रू कर रहे थे। जैसे कि अगर आपको पता, आप एक सेंसेशनल नॉवल पढ़ रहे हो तो आप रेडी रहते हो कि किसी ना किसी की तो दूसरी शादी निकलेगी, किसी ना किसी का तो एक इलेजिटिमेट बच्चा निकलेगा, किसी ना किसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पागल होगा, कोई ना कोई तो असाइलम में भरती होगा,
आप रेडी रहते थे इन चीजों के लिए. तो रियल लाइफ में वैसे आप जिन चीजों को हा हा करोगे, सेंसेशनल फिक्शन में आप उसको रेडिली एक्सेप्ट कर रहे थे. तो राइटर्स ने इस तरीके के नॉवेल्स के थ्रू जो है विक्टोरियन स्ट्रिक्ट मोरालिटी को चैलेंज और क्वेश्चन भी जो है करने की कोशिश की है. मैम सीरियल डायरेक्टिंग भी करना चाहिए आपको. हाँ मुझे लगता है मनीष बिल्कुल, आई लव पाकिस्तानी सीरियल्स. मैं आई यूज़ टू वॉच ईच एंड एवरी सीरियल दैट यूज़ टू कम ऑन जिंदगी चैनल. मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब वो चैनल को बंद कर दिया गया था. खैर उसके भी अपने रीज़न थे. येस लाइक हम सफ़र जिंदगी गुजारे इज लाइक एक्चुअली स्टिल इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज ऑफ ऑल टाइम मतलब मैं टोटल अगर इंग्लिश शोज भी जोड़ लूँ तो जिंदगी गुजारे इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट शोज ऑफ ऑल टाइम. बहुत ही अच्छा शो बनाया हुआ है वो. बहुत सारे अच्छे सीरियल्स थे उस पर तो मैं बहुत मज़े से देखती थी. बट मुझे लगता है मजाक में मैं एक फ्यूचर एक करियर ऑप्शन ऐसे बना सकती हूँ अपना, जहाँ पे मैं जिन चीज़ों पर आज मजाक बना रही हूँ मैं उन चीज़ों पर एक पूरी कहानी भी लिख सकती हूँ. तो एक दिन कभी कभी फन में लिखेंगे हम लोग, एक छोटा सा कंपटीशन भी कर लेंगे सेंसेशनल फिक्शन का. तो मैं आप सबको बोलूँगी एक शॉर्ट स्टोरी बना के लाओ सेंसेशनल फिक्शन पे. किसी दिन फन करने का मूड किया तो ये भी एक दिन काम कर लेंगे कि भाई आप लोग सेंसेशनल फिक्शन लेके आओ एक पेज की शॉर्ट स्टोरी सी बना के, और सब अपनी अपनी स्टोरीज जो हैं शेयर करेंगे और फिर देखते हैं किसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा सेंसेशनल है. ठीक है. हाँ जी. So melodramas divide characters starkly into those who are vicious and those who are virtuous. So with sensational fiction, another form of genre which emerged was melodrama. ठीक है. melodramatic works में जो हैं बहुत ही clear cut black and white distinction होता था between good characters and bad characters. So there were characters who are vicious. ठीक है, जो विलन और वैम का रोल ही करेंगे. एंड देर आर कैरेक्टर्स हु आर एसेंशियली गुड एंड वर्चुअस कैरेक्टर्स. इनफैक्ट जब नॉवेल्स की शुरुआत होती है इन द 18th सेंचुरी, वो भी मेलोड्रामा से ही होती है. जो सबसे पहला जो जॉनर ऑफ नॉवेल्स इस्टेब्लिश होता है इंग्लिश लिटरेचर में वो सेंटिमेंटल नॉवेल्स ही हैं, मेलोड्रामा ही है. ठीक है. सो वो वाला जो फेज़ है वो वापस थोड़ा सा इस पीरियड में अपनी इमर्जेंस देख लेता है. अगेन आप बेसिकली राइटर्स के अंदर से रीडर्स के अंदर से इमोशंस निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो बिक रहा है. ठीक है. जो बिक रहा था लोग वो लिख रहे थे. ओके. सो लोगों को सेंसेशन चाहिए था तो राइटर सेंसेशनल वर्क्स लिख रहे थे. लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए रोना धोना मचाना था तो आप उनको जो है मेलो ड्रामेटिक सेंटिमेंटल नॉवेल्स जो है सर्व कर रहे थे. तो जो बिक रहा था वही लिखा जा रहा था. सो ये कुछ फेमस जो है फॉर्म्स ऑफ फिक्शन है उस पीरियड के, जिसका इम्पैक्ट ड्रामा पे भी पड़ता है. ड्रामा भी जो है थोड़ा बहुत इस पीरियड में मेलोड्रामेटिक, जो हम मिडल विक्टोरियन एज है इसमें मेलोड्रामेटिक हो जाता है. ऑफकोर्स बाय द टाइम वी रीच टू द एंड ऑफ द विक्टोरियन ईरा थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. कॉमेडी ऑफ आइडियाज का ट्रेंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. अब टाइम ओवर हो गया है, क्लास में यही एंड करती हूँ. अभी मैंने नॉवेल्स एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स डिस्कस करने हैं आपके साथ. ये मैं कल जो नेक्स्ट क्लास लूँगी परसों उसमें हम डिस्कस करेंगे. टाइम अभी है, बहुत सारा अभी पोर्शन बचा है आगे, तो इसको जो है हम लोग आगे तब डिस्कस कर लेंगे. मैं लिटरेचर पे सीरियल बना लूँ हमें तो ऐश्वर्यापुरी मैम असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सिलेबस के लिए. अच्छा ठीक है. तो मतलब मैं फिर मेरे को बता दो, मैं आप लोगों को यहाँ आके पढ़ाऊँ या फिर मैं सेंसेशनल सीरियल्स लिखना शुरू कर दूँ, मुझे बता दीजिए. स्नेहल डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे बाबा. अभी हम जो मेरी सीरीज चल रही है ये एक बेसिक लिटरेरी एजेस के ऊपर चल रही है. अभी मैंने लिटरेरी वर्क्स के ऊपर पर से पढ़ाना नहीं शुरू किया. उसकी सीरीज में ये खत्म होगी उसके बाद ही शुरू करूंगी. ठीक है. सो बट यस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीच में मैंने कितने सारे लिटरेरी वर्क्स आपको नोट करवाए हैं, वो NFTs हैं. उसमें से हर बार सवाल आते हैं. गॉबलिन मार्केट से सवाल आते हैं, जेन एयर से सवाल आते हैं. ठीक है. द वुमन इन वाइट से सवाल आते हैं, विल्की कॉलिंस से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, रॉबर्ट ब्राउनिंग के, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम्स के ऊपर हर बार सवाल आते हैं पेपर में. तो जो मैंने पीछे मार्क करवाए NFTs वो आप सब लोगों ने जो है नोट डाउन करके रखने हैं. ठीक है ना, ये ध्यान एक रखना है आप लोगों ने. पहले तो होमवर्क लिख लो, आज का होमवर्क लिख लो. बाकी का जो नॉवल का फॉर्म है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी. पहले आप लोग होमवर्क लिखें. हाँ जी, होमवर्क है आप लोगों का. आप लोगों ने जेन ऑस्टिन के मैच करना है हीरोइंस को विद द नॉवेल्स. ठीक है. एंड नॉवेल्स को डालना है फिर क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है नेट का पैटर्न काफी ज्यादा अब चेंज हो गया है हमारा.
नेट का पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें तब्दीली आ गई है, बदलाव आ गया है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। आप लोग क्या काम करेंगे, जेन ऑस्टिन एनएफटी टॉपिक है हमारा, हर बार इसमें से एक आधा सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाता है पेपर में। आप लोग क्या करना, जेन ऑस्टिन के जो नॉवल्स हैं, पहली बात तो उनको क्रोनोलॉजिकली लेना, एक लिस्ट बनाना उनकी क्रोनोलॉजिकली, और फिर हर उनके नॉवल में मेन हीरोइन का नाम क्या है, मेन कैरेक्टर कौन है, ये आप लोगों ने जो है लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए ताकि थोड़ा क्रोनोलॉजी आपके माइंड में सेट बैठ जाए। वो काम फिर मैंने फिर से बताया आगे जाके अपनी नोटबुक में भी कर लेना। मैं ना एक दिन सरप्राइज में आप लोगों को बोल दूंगी कि मेरे को फोटो सेंड करो, ठीक है, मैं YouTube पे ना फोटो मंगवा लूँगी आप लोगों से कि मुझे फोटो सेंड करो आपने मेरे होमवर्क्स की, कौन सी डायरी अलग से बना रखी है। नहीं, ये काम अभी से शुरू कर दो, ठीक है। मैं सजेशन दे रही हूँ, आप लोगे ही नहीं तो उसका फ़ायदा ही नहीं है, सिलेक्शन चाहिए ना, तो ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अरे थैंक यू शॉर्ट स्टोरीज, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं श्रेया, बिल्कुल आई वोंट गो एनीवेयर, डोंट वरी, आप बहुत मैसे बढ़ाते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सीमा, हाँ जी ठीक है। चलिए तो ये होमवर्क आप लोगों ने करना है, ध्यान से इसका जो है ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे को रिक्वेस्ट आने लग गए, दिसंबर शुरू होंगे, मैम नया बैच मैंने बताया ही था, कोई भी जो न्यू बैच है नेट का, कोई भी जो न्यू बैच है हमारा, वो अभी हम रिलीज करेंगे जनवरी में। और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो अभी के नेट के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली यही अज्यूम किया जा रहा है, मैंने और भी काफ़ी एजुकेटर से बात की है, वीडियोस वगैरह देखी हैं, रिसर्च किया है, मोस्टली लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट पेपर जो है अगले शायद साइकिल के साथ मर्ज होके होगा। पर बाय चांस अगर नहीं हुआ तो, अगर अगला पेपर जो है, अगला अटेम्प्ट आपका जो दिसंबर वाला होना था वो मार्च 2023 में हो गया, तो क्या करोगे? तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अभी से उसकी तैयारी करनी है, तो मैं बता दूँ आपके नेट का जो हमारा अभी मेरा करंट बैच चल रहा है, इसकी टाइमिंग है 6 बजे की, 6 PM का टाइम है, ठीक है। आपको सितंबर से बैच शुरू हुआ है तो उसकी जो सारी पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी नोट्स के साथ, और जो करंट अभी जो लाइव चल रहा है वो भी आप जो है साथ के साथ मेरे साथ अटेंड कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए आप वीडियो के नीचे ही हमारा ये सेक्शन है इसका, आपको एक लिंक मिल जाएगा हमारी ऐप का, तो हमारी ऐप को जो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं। 78% के मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एनरोल करते हुए, कोड लगा लेना Y542, ये तो आप लोगों को याद ही है, कोड लगा लेना Y542 मैक्सिमम 78% के डिस्काउंट के लिए। ठीक है, एनरोल कैसे करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। देखिए आप हमारी वैसे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें बेटर यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लेकिन अगर नहीं करना है वेबसाइट से ही करना है, मैं आपको वेबसाइट से करके दिखाती हूँ कैसे एनरोल करना है। आपने हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आपने जो जाना है, ऑल कोर्सेज में चले जाना, यहाँ पर UGC दिखेगा आपको नीचे, क्लिक ऑन UGC नेट, ओके। एंड आपको हमारे सारे पेपर 1 पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स में हम आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मेरा कॉम्बो बैच भी बना हुआ है, सिर्फ इंग्लिश वालों ने इतना धमाका दिखाया था भाई, सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए कॉम्बो बैच बना है, बाकी तो और किसी सब्जेक्ट के साथ कोई कॉम्बो बैच नहीं बना। आपको पेपर 1 अलग पाए करना पड़ेगा, पेपर 2 अलग, लेकिन कंपनी वालों ने भी रियलाइज़ किया कि भाई इंग्लिश के नेट वाले जो हैं काफ़ी प्यारे लोग हैं, इनके लिए अलग से एक जो है बेटर एक कॉम्बो बैच बना दिया जाए, ठीक है। मैंने भी थोड़ी सी सिफारिश की थी आप लोगों की, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी इस कोर्स में, तो फायदे में रहोगे, अगले साल दिसंबर तक की वैलिडिटी है। कॉम्बो बैच में पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी हो जाएगी, टेस्ट सीरीज आते हैं इसकी, फ्री टेस्ट सीरीज भी जो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एनरोल करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना, कूपन कोड देखो यहाँ एंटर करोगे, एंटर कूपन कोड है वहाँ पे, कूपन कोड एंटर कर देना Y542 मेरा, ठीक है। ये देखो ये ऐड किया, वेबसाइट पे 77, एप्लीकेशन पे 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये 22,000 का कोर्स आपको सिर्फ 5,000 या उससे भी सस्ते में मिलेगा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। और मेन तो देखो ये है, पेड क्लास के साथ यूट्यूब क्लास को सप्लीमेंट करो, दिन में 2 घंटा मेरे साथ आप एंगेज रहो, बाकी अपनी 3-4-5 घंटे जितने भी सेल्फ स्टडी करनी आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो है हमारा पर्पस है सिलेक्शन लेके आना, तो ये सब करेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा, ज़रूर क्वालिफाई करोगे नेट भी और JRFP। तो चलो इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं, अगले क्लास में मैं विक्टोरियन रियलिस्ट नॉवल्स पे थोड़ा और लाइट डालूंगी आप लोगों के लिए, और डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। That's all for today. Thank you so much everybody. Have a very good day. Video को like कर दो, अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ share करो. And take care. Bye bye.